अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। नेहाद की चोरी पकड़ी जाने के बावजूद वो शर्मिंदा ही नहीं होता, उल्टा अपनी बीवी के साथ लड़ता है। उसे कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ अपने नाम की बीवी बना कर रखा है, मैंने सिर्फ तुम्हें अपने नाम की बीवी बना कर रखा है, अदरवाइज़ मैं तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम नहीं करता। तब सारा की बहन भागी भागी अपनी बहन के पास जाती है और उसे कहती है, मैं तुम्हें अपना शोहर छीनने नहीं दूंगी। और अपनी माँ और फूफो को भी यही कहती है कि मैं अपने शोहर को हाथ से जाने नहीं दूंगी। और जाकर ज़ारा के साथ खूब लड़ती है और उसे कहती है कि तुम मेरे शोहर से मिलती हो और साथ उसे मोहब्बत का दावा भी करती हो और उसकी कोई बात नहीं सुनती। तब नैन मामू को बुला लेता है और उसके सामने कोशिश करता है कि सारा की चोरी सामने आ जाए। सारा खामोशी से सब कुछ सहती रहती है, हालांकि नैन की माँ को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो भी सारा की सफाई नहीं दे सकती। और यूँ इससे पहले कि सारा का जुर्म साबित हो जाता, एकदम से बेहोश हो जाती है। और जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली है, लेकिन नैन उस बच्चे को कबूल करने से इनकार कर देगा। अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब उसका डीएनए टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि वो नैन का ही बच्चा है। और अब निहाद के लिए भी ये लाजम हो जाएगा कि उसके रास्ते से हट जाए, आखिर अब वो कितनी और बदतमीजियाँ करता। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।